और चल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मोदी सर कांग्रेस बीजेपी। तो ये फिर जो है वो मेरे ख्याल में दिल्ली में लिया जा रहा है वो इंटरव्यू लोगों से, पब्लिक इंटरव्यू है जी, कि किस कौन सी हुकूमत अच्छा काम कर रही है और 2024 में कौन सी हुकूमत आएगी। ज्यादातर तो भाई मुस्लिम का इंटरव्यू लिया जा रहा है। अच्छा, जो लेडीज हैं वो क्या सोचती हैं मोदी जी के बारे में और हिंदू मुस्लिम के जो विवाद चले हुए हैं उनके बारे में उनका क्या राय है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? आप कहाँ से आई है? मैं तो जमुना पार्क दिल्ली से ही आए हैं। जी जी, दिल्ली से आए हैं, इंडिया गेट घूमने आए हैं। कैसा लगा? बहुत टाइम बाद आए, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। ये चीज और भी चीज बहुत बेस्ट, एक नंबर लगा, बिल्कुल एक नंबर। और खास करके वो जो टनल बनाया है जो वहाँ से प्रगति मैदान से और वो यहाँ तक, वो तो बेस्ट है अब तक का दिल्ली का सबसे नंबर वन। क्या काम करती है? मैं पार्लर में ब्यूटिशियन। क्या नाम है आपका? मेहताब। मेहताब जी, ये बताइए दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? अब तो फिर भी मेट्रो के हिसाब से देखूं, मैं रोज आने जाने करती हूं, बेटर है। अगर मेट्रो से लाइन में मेट्रो लाइन है तो नंबर वन है, उसमें कोई टेंशन नहीं, सबसे बढ़िया है। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगी 8 साल के कार्यकाल में, क्या फीडबैक है आपका? अच्छा रहा उनका, बढ़िया था, बहुत अच्छा रहा जी। आप सहमत हैं? हाँ ठीक था, बस ये है कि थोड़ी सी जो ऊंच नीच है वो बस थोड़ी कम हो जाए तो सब कुछ अच्छा है। बाकी तो किस तरह की ऊंच नीच की बात कर रही है? थोड़ी सी मतलब जो चल रही है आजकल जो है, जो मतलब मोमडंस और इसमें, तो वो बस थोड़ा सा, बाकी कुछ हमें उनसे कोई शिकायत नहीं किसी भी मामले में। आप भी इनके साथ सब? अच्छा, आप घूमने आई हैं? आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ घूमने का? बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया, काफी साल बाद आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। साफ सुथरा बहुत है, बहुत ज्यादा देखा ना साफ सुथरा। हम लोगों ने कूड़ा पॉलिथीन में डाल के डस्टबिन में डाला, कि जब खुद इतना साफ सुथरा हम लोग फैलावा नहीं करना चाह रहे थे, हम अंदर से मन ही नहीं किया कि हम यहाँ पे गंदा करें, कि हम खुद गंदा करें। सब हमने पॉलिथीन में एक जगह इकट्ठा कर फिर डस्टबिन में डाल के पहले वहीं का वहीं छोड़ जाते थे, अब ने ऐसा नहीं, बहुत अच्छा हो गया। 8 साल मोदी जी के बीत गए हैं, थोड़ा पास में आ जाइए इनके, थोड़ा सा 8 साल मोदी जी के बीते हैं, कितने नंबर दोगे मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी को? 10 में से 8। आपने पास कर दिया? हाँ बस पास कर दिया, बस ये थोड़ा हिंदू मुस्लिम ना हो ना तो बेस्ट। अच्छा मुझे आप ये बताइए, हिंदू मुस्लिम सरकार करती है या जनता को खुद से ये सोचना चाहिए कि हमें प्यार से रहना है? जनता प्यार से रहती है, हम जो रहते हैं, हम हिंदू इलाके में रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, मगर जो ना पॉलिटिक्स करते हैं ना तो जब होती है, वैसे कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं हम लोग आपस में, बहुत ज्यादा हम लोग भी बिल्कुल है ना हिंदू के मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल हमारे एक दो ही घर है, मगर बहुत मोहब्बत से रहते हैं। मगर अब जो है ना बहुत ज्यादा मतलब और लोगों के मतलब इलाके में तो हम लोगों के नहीं है, मगर और जगह जाते हुए थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल रहते हैं कई और जाते हैं। आप पूरे अपने ड्रेस में हैं, मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा, 3 तलाक के बारे में, आप जागरूक महिला हैं, 3 तलाक के बारे में क्या ख्याल है आपका? इस बारे में मैं कुछ नहीं बात, इस बारे में देखो हम अपने मजहब के आगे नहीं बोल सकते, हमारा मजहब हमारे सबसे पहले है, मजहब से आगे कुछ नहीं बोलेंगे, 3 तलाक हो या कुछ भी हो, जो हमारा मजहब कहेगा वो अपनी चॉइस है, हम ये करेंगे ये अपनी चॉइस है। देखो ये हमारे सब बच्चे हैं, ये करें ना करें ये इनकी चॉइस है, मेरी चॉइस मैं करते हूँ, तो इसलिए हिजाब वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दिल है अपना, इच्छा है, आप हिजाब लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है हमारे में। फर्क देख रहा हूँ तो मैं इसीलिए बात पूछ रहा हूँ, मैं जिस जगह काम करती हूँ वो माहौल मेरा अलग है, मेरा माहौल अलग है, मैं ड्रेस में काम करती हूँ वहाँ पे जा करके, घर से मैं हिजाब में निकलती हूँ लेकिन वहाँ मेरा माहौल अलग है, मगर ये अपने आप है, जैसे हम लोगों का अपना दिल है, अब हम ये ओढ़े हमारा दिल है, हम चाहे उतार दें हमारा दिल है, कोई ऐसी हमारे पे पाबंदी नहीं है, ना घर वालों की ना मजहब की कोई ऐसी पाबंदी है, हमारा खुद का दिल है। 24 में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री देश के रह चुके हैं, अब 3री बार हैट्रिक चांस होता है, तो क्या 3री बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, बनेंगे जी, इस टाइम उनके अलावा उनके अपोजिट कोई है ही नहीं ऐसा कि कोई और मतलब आए उनके मतलब कंपटीशन में कोई नहीं है इस टाइम, तो इसलिए वो ही आएंगे। राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो लगता नहीं कि राहुल गांधी में वो खूबियां वो नेतृत्व की क्षमता है जो मोदी को? इतना नहीं है, इतना नहीं है,
इतना नहीं है, नहीं वो बस अकेले हैं, उनके साथ अभी और भी होने ज्यादा है, इतना नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ चाहे मोदी जी आए या कोई और आए, चाहे राहुल गांधी आए, बस ये जो आजकल जो ये ऊंच नीच चल रही है और ये जो चल रहा है बस ये खत्म हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक है। मोदी जी के बारे में क्या मानती है, 24 में आ सकेंगे? हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, उनके अलावा कोई और चेहरा अभी हमें नहीं दिखता। कांग्रेस में क्या ऐसी ऐसी त्रुटियां जो कांग्रेस नहीं आ सकती है? कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा है नहीं, कोई मतलब मेन पर्पस राहुल गांधी के अलावा नहीं। हाँ अगर प्रियंका गांधी आए तो शायद कुछ हो सकता है। केजरीवाल भी टक्कर नहीं दे सकते? केजरीवाल सर सिर्फ दिल्ली दिल्ली के लिए तो ठीक है, बाहर के लिए मुझे नहीं लगता। केजरीवाल तो खुद से मोदी के गढ़ में पहुंच गए जहां गुजरात है, और गुजरात में टक्कर देने की बात कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है, लेकिन बिजली फ्री होने से ही एक चीज नहीं हो सकती ना। बहुत कुछ करना पड़ता है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा मैं एक सवाल, मेरा ये लास्ट सवाल है आप लोगों से, आप इतनी बात, योगी के बारे में क्या ख्याल है? योगी जी यूपी में अच्छा कर रहे हैं। यूपी में कोई कनेक्शन है आपका कोई? नहीं वैसे मैं वैसे हैं रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी तक जो डेवलपर है यूपी का साफ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, पहले के मुकाबले बहुत साफ सुथरा हो गया ससुराल है जी। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा भी आप जानती होंगी, कोई बताता होगा कि भाई अभी यूपी के इस टाइम बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस टाइम पे, बहुत अच्छा इस टाइम। हाँ अच्छा, नहीं तारीफ सुनी है मैंने अभी तक उनकी, बुराई नहीं करूंगी, तारीफ सब चीज अच्छी है योगी की भी, मोदी जी की भी, सब चीज अच्छी है, बस हिंदू मुस्लिम ना हो बस, बस सब आगे योगी जी की भी तारीफ सुनी है वहाँ की बहुत। हम तो जब जाने जब बेरोजगारी खत्म हो, हम क्या पूरा देश बेरोजगारी खत्म हो, रोजगार मिले लोगों को, 90% लोग परेशान हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, मालदार हो रहे हैं, वो तो गरीब आदमी परेशान है, बेरोजगारी बहुत है देश के अंदर, ज़्यादा लोग परेशान ही, कारोबार से बहुत ज़्यादा परेशान है, मजदूरी तबका बहुत परेशान है। बड़े भाई मुझे ये बताओ बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? यार जो लोग देश चला रहे हैं उन्हीं के हाथ में रोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई को लेके कि इतनी बढ़ गई है कि आदमी सोच नहीं सकता कि मैं क्या करूं महंगाई को लेकर के, तो इसका कारण ये जो लोग देश चला रहा है उन्हीं की वजह से है ये भाई। जो लोग अब कोई आदमी अपना घर चला रहा है और उसके घर में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसकी वजह है, या कुछ औरों की वजह है तो वो सामने रखे कि इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं भाई। हम तो जो हुकूमत है उसी को बोलेंगे ये वाली बात कि देश को सही से चलाओ, बढ़िया से चलाओ, बेरोज़गारी दूर करो और भाईचारा रखो। हमारा मुल्क पहले क्या था, आज क्या हुआ हुआ है देश के अंदर, क्या हुआ जरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, दर्शक भी समझना चाहते हैं, ये जो भाईचारे की आप बात कर रहे हैं क्या माहौल बिगड़ा दिखाई दे? यार माहौल अब हम यहाँ तो दिल्ली है, यहाँ सब मिलजुल के जैसे रहते हैं लोग, अगर हम यहाँ से दाढ़ी टोपी वाले हम कहीं जाएँ तो हमें लोग हिकारत की नज़रों से देखते हैं। ऐसा कब हुआ और क्यों हुआ ऐसा? ये सब राजनीति है, सब नेताओं ने अपनी अपनी राजनीति सेकने के लिए ये सब करा है। मतलब ये आरोप बीजेपी की हुकूमत पे है या पहले से भारत में ऐसा? नहीं देखो बीजेपी की हुकूमत पे ज़्यादा हो गया, पहले ये बातें थी नहीं, ये 7-8 साल से ज़्यादा है, बट पहले इतनी बातें नहीं थी, कांग्रेस की सरकार भी रही है और जनता दल की भी सरकार रही है, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा आई है इस हुकूमत में ज़्यादा। 24 में लोकसभा का चुनाव है, अब लोकसभा के चुनाव की बात भी करते हैं, लोकसभा का चुनाव है, आपको आपके जहन में क्या है, क्या लगता है आपको, हुकूमत बदलेगी या हुकूमत यही दोबारा से? भाई बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहिए, 10 साल हो गए इन लोगों को चलाते हुए, इससे पहले भी चली हुकूमतें, अब हम चाहते हैं थोड़ा सा अब फिर और नया बदलाव कुछ होना चाहिए, हुकूमत चेंज होनी चाहिए। और वैसे इस बार लोगों का सब देख ही रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, सबको मालूम है क्या हालात क्या हुए हैं और क्या चाहते हैं सब। आप बताइए भाई गुजरात में क्या लगता है आपको, गुजरात में केजरीवाल कितनी टक्कर मोदी को देंगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर देंगे भाई, जरूर देंगे। हाँ जरूर देंगे, अभी पहली मरतबा है उनका गुजरात, कोई बात नहीं जरूर देंगे। पंजाब में तो पहली मरतबा थे, पहली मरतबा पंजाब में जीते, वहाँ भी जीतेंगे, जो काम करेगा वो जीतेगा यार, जो हिंदू मुस्लिम करके लड़वाएगा ना वो हारेगा। आपको लगता है कि ऐसा इस हुकूमत में हो रहा है? अभी सीतापुर नहीं हुआ, कितने दिन हुए सीतापुर में झगड़ा हुए? ये सब पॉलिटिकल। मैम आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से इंडिया गेट घूम रहे हैं जी, कैसा लगा इंडिया गेट पहले तो? अच्छा, बहुत प्यारा, पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए चीज़ों में। नाम जान सकता हूँ मैम? फराह हुसैन। फराह हुसैन, ये जो भाई हमारे बात कर रहे हैं, क्या ऐसा आपको भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम क्राइसिस कुछ भेदभाव हुआ? चल तो यही रहा है,
क्या बोले इसके आगे। तो कौन सी हुकूमत आपको ऐसी लगती है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले और भी सरकार थी, कौन सी हुकूमत आपको लगती है जो देश में ये सब चीज़ ख़त्म करेगी? सर ये तो यही रोजगारी, रोजगार कितनी बेरोजगारी हो रही है, बच्चे कितने परेशान हैं, किसी का काम नहीं है, इसलिए परेशान है। कौन सी सरकार ऐसी है, आपको किस सरकार से उम्मीद है, कांग्रेस से उम्मीद है? उम्मीद तो किसी से ही नहीं है अभी इसी इस टाइम, तो हम कुछ ही नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसी देख रहा है ना, तो इसलिए हम कुछ किसी के बारे में बोल ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में 8 साल बीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगी, मोदी का कार्यकाल कैसा आपको लगा? ठीक है। आप तो वैसे मन से कह रही है कि ठीक है, मतलब असलियत में क्या मानती हैं आप? मेरी राय में तो देखती है क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है सबको पता है, इस बारे में क्या बोले बताइए आप। अगर हुकूमत बदलेगी तो कौन सी सरकार राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? सर मुझे तो अभी किसी से नहीं है क्योंकि मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती ना सर। कैसा लगा प्रधानमंत्री का 8 साल का कार्यकाल? प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो अच्छा है क्योंकि बहुत तरक्की किया है देश ने और सभी विकास के लिए काम कर रहा है रात दिन बिना देख के, तो अच्छा है कार्यकाल तो अच्छा है, लोगों के लिए काम कर रहा है ऐसा लगता है, महसूस हो रहा है। अभी हम कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव इस मोदी की सरकार ने सबसे ज़्यादा बढ़ा। ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि वो तो प्रेम भाव से अपने को ही रहना है, चलो अपने को तो विकास से देखना है, कौन काम करता है, कौन काम अच्छा करे वो उसको मत दो, या वो आदमी को देखो कौन से पक्ष में, वो पक्ष के बदले आदमी को देखना, नज़रिया अपना थोड़ा बदलना की ज़रूरत है। आपको भी लगता है ऐसा कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कुछ बड़ा है? बड़ा तो नहीं है, वो अपने आप का अपनी सोच में ही है, मान लो कि हम प्रेम प्रभाव से रहेंगे तो पॉलिटिशियन भी क्या कर सकते, मान लो कि अपने में ही गलतियाँ नहीं मिलजुलना है, चलो अपने भेदभाव भूल के हम साथ में रहते हैं तो पॉलिटिशियन क्या करेगा, चलो अपने को तो पता है कि वो काम जो करता है वो अपने लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर क्या परेशानी है, जनता को रहना चाहिए और अपने को अपने विकास के लिए किसको मत देना, वो पक्ष के बदले उम्मीदवार को देख के देना चाहिए, ऐसा मैं तो बता रहा हूँ। गुजरात में सुन रहे हैं कि केजरीवाल जी पहुँचे हैं गुजरात में, बड़ी हवा है केजरीवाल की, वो ऐसा तो हवा लगती है लेकिन इतना हवा नहीं रहेगी क्योंकि भाजपा 20 साल से वहाँ पे काम कर रहा है और भाजपा का कार्यकाल इतना अच्छा है ना कि इतना कठिन रहेगा उसके लिए, इतना चुनौती रहेगी, इतना आसान नहीं रहेगा केजरीवाल के लिए। मुझे ये बताओ इस बार मोदी का प्रधानमंत्री बनने का चांस 3री बार है 24 में, प्रधानमंत्री बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? बोले के बन जाएगी क्योंकि अभी किसी को नहीं नजर में नहीं आते ऐसे मोदी जी। गांधी कांग्रेस पार्टी काफी कोशिश और मेहनत कर रही है, वो तो मेहनत तो कर रही है पर उसका कर्म ऐसा है तो मिल जाएगा, मैं उसमें कर्म में मानता हूँ, उसका अच्छा कर्म है तो मेहनत के बिना मिल जाता है, अच्छा कर्म नहीं हो तो बार बार मदद करो तो भी नहीं मिलती है भाई, इसलिए मानते चलें जी। वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है जी, ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और दूसरा कांग्रेस, इसका जो 2024 में होगा मुकाबला, तो चांसेस जो है ना भाई साहब वो अब 100% ही कर रहे हैं बीजेपी के हैं, बाकी बात जहाँ भी आ जाती है दूसरी पार्टियों की तो वो इस बार सीटें मेरे ख्याल में बेहतर निकालेंगे। अच्छा पहले के लिए अगर वो कट जोड़ कर लेने तो फिर कंपटीशन टफ होने वाला, टफ होगा लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते मोदी सरकार। तो बाकी बात रही ये जो अक्सर जो है ना जो भी महिलाएं थी या जो भी मुस्लिम खास करके थे वो जी बात करते थे कि जो ये मोदी सरकार में जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हुआ है ना ये बड़ा है, ये पहले के पहले इतना फर्क नहीं था होता, अब जो है वो उसमें काफी बढ़ावा आया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बाकी शक्ति भी की गई वजह तारक भाई ना वो एक दो घर रहते हैं, एक दो घर रहते हैं सिर्फ उस हिंदू, हाँ तो वो कुछ भी नहीं होता उधर वो सेफ बैठे हैं, तो जहाँ पे एक दो घर हिंदू के होंगे वो उनके ज्यादा होती है ना, हुकूमत जो है हर बंदे को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती किसी भी कंट्री के अंदर चले गए नहीं कर सकते पब्लिक को किसी वजह से कुछ ना तंगी जरूर आती जाती रहती है। और महंगाई तो भाई साहब आप मानो या ना मानो इंडिया में भी बढ़ी है, पहले की नस्बत तो बढ़ी है आप मानो या ना मानो,
बाकी ये है कि मोदी सरकार में ना इंडिया तरक्की बाकी भाई साहब हुकूमतों का कोई हुकूमतें भी इस्तेमाल करती है ये जो अपोजिशन वाले होते हैं ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा के भाई साहब ये व्यवहार तो इसमें लाजमी होती है क्योंकि इसके अलावा भाई किसका मन करता लड़ाई के लिए आवाम को भी चाहिए कि भाई सियासत में ना पड़े और जो पहले की तरह हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते थे उसी तरह रहे तरक्की करें और जो ज्यादा चहेते होते हैं ना उनके हुक्मरानों के जो होते हैं पार्टी वाले वो ही ज्यादा दंगे करवाते हैं बाकी आम पब्लिक नहीं करते हाँ माल की बना पर वो करते हैं दंगा किया और खुद निकल गया वहां से पब्लिक को कहा कि तुम भाई लड़ो और आज का भाई साहब देखा जाए तो बहुत दफा ऐसा भी होता है फिल्मों में देखा है भाई हकीकत और फिल्मों में काफी फर्क होता है लेकिन कुछ चीजें रिलेट भी करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना हो तो भाई साहब हिंदू बनने मुसलमान बनने के लिए वो सर पे टोपी रखो वो सफेद कपड़ा पहन के आ जाओ भाई चाहे हिंदू हो तो वो भाई दंगे शुरू करवा के निकल गया लेकिन ये तो पाकिस्तान में भी होता है सारा अपनी अपनी पार्टियों को जो सपोर्ट करते हैं कितनी बार तो देखा है अक्सर हमारे गाँव में इलेक्शन के दौरान लड़ाई हो जाती है यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम देख लो पार्टियां बन जाती तीन चार पार्टी बंदी हो जाती है जब ईगो आ जाता इसी वजह से देख लो तरक्की भी नहीं कर पा रहे वो जो बाहर लोग हैं वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं एक जगह इकट्ठ जोड़ कर उन्होंने सोचते नहीं है और अपना फायदा ले लेना वही है ना पैसे ले लेते बड़े वडेरे होते हैं जिनका नाम होता है वो लेता रहता है पार्टियों के साथ मिलकर पैसे ले लेते हैं और हम रिश्तेदार का बोलते उधर वोट देना वो बोलता उधर देना इस वजह तो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम हमेशा सियासत से ही बाकी भाई साहब मजहब से नहीं जो बंदा सही है ना ज्यादा कट्टरपंथी जहाँ पर भी आएगी चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होंगे ये जो ज्यादा कट्टरपंथी है ना ये खतरनाक चीज है बाकी जो नॉर्मल बंदे है ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं ना हिंदू को मुस्लिम से ना मुस्लिम को हिंदू से वो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं अपना सिर्फ काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं जो लोग ये ज्यादा धर्म में घुसते हैं ना वो ही ज्यादा ये दंगे फसाद करते हैं बाकी भाई साहब जो देश है ना वो इस वक्त तरक्की कर रहा है और मोदी की हुकूमत में अच्छा ग्रो कर रहा है दूसरी दुनिया की इकॉनमी देख रहे हैं दूसरी दुनिया की इकॉनमी वो गिरी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया इतने मुश्किल हालात भाई कोरोना कोरोना का इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में कोरोना को कंट्रोल करना कोई थोड़ी बात नहीं वो चाइना जैसे कंट्री इतने पावरफुल होने के बावजूद फेल हो रहे थे इंडिया देख लो हालांकि हमने तो ना भाई मोदी सरकार से कुछ लेना है ना राहुल गांधी से कुछ लेना हाँ राहुल गांधी को मैंने वोट देना है लेकिन भाई दिखाई देता है इंडिया वाले ने तू उसको कैसे देगा राहुल गांधी को तो मेरा वोट भाई ये जो भारत जोड़ो वोट दिया था अब राहुल गांधी को दूंगा ये भी चला जाएगा इतना देख लो भाई साहब आप इसकी वोट की कीमत लगा सकते पावर किसको भेजना है अगर मोदी जी को भेजना चाहते हैं तो ये वोट दिलवाएंगे और मोदी भी नाकाम हो जाएगा ये वोट बड़ा ही खतरनाक है भाई साहब तो केजरीवाल का भी नंबर लग सकता है बड़ा जिसका भाई नंबर लगवाना है हाँ, मोदी लगेगी भाई साहब जिसके ज्यादा वोट हो गए वो भाई दूसरे पार्टी के खिलाफ ये वोट चला जाएगा अब जो है वोट आप करें और इंडियन दुनिया में जो आज फखर महसूस करते हैं वो मोदी सरकार की वजह से ऐसे ही उनकी तो ठीक है भाई साहब आत्मनिर्भर बनने का सपना मोदी जी का ही है ये कांग्रेस का नहीं तो ठीक है मिलते रहे वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।